अभी वर्सोवा चलो वर्सोवा। ये ना बैठिए बैठिए। इधर हो आप अभी? अरे बस निकल गया हो यार ऑटो पकड़ के। अरे यार मैं प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट सुनाने गया था यार मेरा। हाँ अरे यार तुम वेट करो ना वहाँ पे आ रहा हूँ यार। हाँ हाँ भैया थोड़ा जल्दी चलो जल्दी चलो। तो ना झूठ बोलोगे? अरे नहीं बाबा किसी के साथ नहीं था मैं बाबा, कोई लड़की के साथ नहीं हूँ यार। तुम कब तक मेरे पे शक करती रहोगे? एटलीस्ट आज के दिन तो मत करो। आज वैलेंटाइन डे है यार, आज के दिन तो कम से कम मुझे बख्श दो। शक करने से मुझसे नहीं बोला मैं, शक करने से बोला मैं। अरे यार मैं आ रहा हूँ बाबा। अरे वो प्रोड्यूसर जल्दी नहीं ऑफिस के अंदर बुलाया यार, मैं क्या करूँ? क्या रिक्शा में कौन भाई? तो हूँ अकेला। अरे कोई लड़की नहीं बैठी यार मेरे साथ में। वीडियो कॉल कर रही हो? अरे पर सुनो मेरा कल ही नेट पैक एक्चुअली खत्म हो गया है। अच्छा तो तुम्हारा नेट पैक भी खत्म हो गया? कितना झूठ बोलोगे? अरे बाबा मैं बहाने नहीं कर रहा, सच में मेरा कल रात में नेट पैक खत्म हो गया है। चाहे तो आकर के मैं तुमको दिखा दूंगा। अरे कोई लड़की नहीं है यार मेरे ऑटो में, मैं झूठ क्यों बोलूं? क्यों बोलूं? क्यों सैप पैक कर रही हो यार आज के दिन? हाँ हाँ बस। अरे यार ट्रैफिक लग गया थोड़ा, मैं क्या करूँ यार। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बस आ ही रहा हूँ। हाँ हाँ बस इधर ही साइड में रुका दो, साइड में लो। क्या हो गया इतना क्यों भड़क रही हो यार तुम? हाँ आ ही रहा था ना मैं, अटक गया था किधर, मैं क्या करूँ फिर? हाँ भैया कितना हुआ तुम्हारा, क्या हुआ? क्यों लेट हुआ? कहाँ लेट हुआ यार? मैं तो 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, इतना लेट होना था और इतना टाइम लगा दिया आने को, किसके साथ थे तुम? अरे मैं प्रोड्यूसर के इधर गया था ऑफिस में। हाँ ऐसा प्लान था तो बुलाना ही नहीं चाहिए था मुझे। अरे मैं क्या करूँ यार, मैं मुझे फ़ोन आ गया कि आज आप आ जाओ अपना स्क्रिप्ट सुनाने के लिए, इसके लिए मैं चला गया। मैं भी जान दो क्या वैलेंटाइन डे है। हाँ और तुम फ़ोन पे क्या बोल रही थी कि मैं कोई लड़की के साथ में था? कोई लड़की थी मेरे साथ में? हाँ मैं ऑफिस से भी बाहर निकला था बिल्डिंग के, तो कोई थी क्या मेरे साथ में? मैडम कोई नहीं था। बकवास करती है। नहीं आपका जितना हुआ जितना है, अरे उतना पेमेंट में करने को तैयार हूँ, इतना पैसे देने को तैयार हूँ निकल पैसे, लेकिन सच बताना किसके साथ है और किसके साथ नहीं। मैडम एक सेकंड जरा याद कर लूँ मुझे कितना पैसा चाहिए। मेरा EMI कितना है? 5124। मैम एक काम करो आप है ना, 5124 रुपया मेरे को गूगल पे कर दो। हाँ एक सेकेंड मैं स्कैनर ओपन करके देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ जो भी सच्चाई है। हाँ ये लीजिए। क्यों कर रही हो? अरे मत करो गूगल पे, आप जो भी है वो सच बताओ ठीक है? अरे पर सच क्या, सब बातें सच्ची है यार। मैं नहीं थे वो मुझे बताओ ठीक है? अरे यार वापस से लो भैया, आप वापस करो पैसा। रुक जाओ। ठीक है मैडम आप थोड़ा साइड में चलिए, सर को यहीं पर रुकने बोलो गाड़ी के पास, मैं आपको बताता हूँ जो भी सच्चाई है। आपको क्या लगता है कि सर की कुछ गलती है? कुछ भी गलती नहीं है उनकी, वो बिल्डिंग से बाहर अकेले ही आए और रिक्शा में भी वो अकेले ही थे। आप क्यों इन पर इतना शक कर रहे हो? मुझे अपने मुझ जैसे अजनबी पे आप भरोसा कर रहे हो? कि आजकल किसी पे भरोसा करने जैसा नहीं रहा। भरोसा ही नहीं था तो आपने फिर प्यार क्यों किया? नहीं करना चाहिए था आपको फिर रिलेशनशिप उनसे, जब आपको ट्रस्ट ही नहीं है। जब जहाँ ट्रस्ट नहीं है ना वहाँ फिर रिलेशन की कोई मायने नहीं है। कोई गलती नहीं है ठीक है, आप कामों का शक करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं है ठीक है। आप जो भी बात है उनसे कर लो। और सुनो ये आपसे जो मैंने अभी पेटीएम से गूगल पे से पैसा लिया हो ये आप रख लो, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ वापस से, प्लीज़ आप ये रख लो। पैसे रिटर्न मत करो, मैं आगे से ध्यान दूंगी और ऐसे विचार अपने दिमाग में नहीं लाऊंगी जिसकी वजह से रिलेशनशिप ऐसे खराब हो ठीक है। तो आप सर को बुला लीजिए फिर। क्या बोला? मैं आज के बाद ऐसे सोच नहीं रखूंगी। हाँ आज के बाद ऐसे नहीं सोचूंगी। सच में थैंक यू। अब आपका ये रिटर्न गिफ्ट है आपके लिए, पैसे आप आपके पास ही रखो। अभी मैं यही आप लोग को समझाऊंगा आप दोनों को कि आप लोग का रिलेशन भरोसा करोगे एक दूसरे पे तो ही मेंटेन रहेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला है।
आपको इन पर और सर आपको भी इन पर, आप दोनों एक दूसरे को, आपको एक दूसरे पे भरोसा रखना है, ठीक है? तो प्लीज़ अपना रिलेशन मेंटेन रखो तो ही ठीक रहेगा, ठीक है? ओ मर गया, मेरी भी गर्लफ्रेंड को मेरे को मिलने जाना, मैंने उसको टाइम दिया था। गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड पर, बॉयफ्रेंड को अपने गर्लफ्रेंड पर भरोसा होना चाहिए, हस्बैंड को अपने वाइफ पर, वाइफ को अपने हस्बैंड पर भरोसा होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। समझे?